हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू टीच जूनियर केजी ड्राइंग। ड्रॉ द स्क्वायर एंड फिल कलर। आपको स्क्वायर शेप में दिखा थी उसी तरह आपको रफ बुक में ड्रॉ करना है, देन आपको कलर फिल करना है। ओके, हमें स्क्वायर शेप ड्रॉ करना है। स्क्वायर शेप में फोर्स लाइन होती है, सब भी लाइन सेम साइज इक्वल होती है, मीन्स इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों सेम है और इस दोनों का भी सेम है, यानी फोर साइड इज इक्वल, इसको बोलते हैं स्क्वायर शेप। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जीरो राइट किया है ना, वहां से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने 8x8 का स्क्वायर बनाया है, यहाँ पे 8 आपको दिख रहा है, वहां तक आपको लाइन स्टैंडिंग लाइन बनानी है। देन यहाँ से स्टार्ट करना है एंड यहाँ तक। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे 8 दिख रहा है ना, वहां तक आपको डॉट पहले लगा के फिर लाइन बनानी है। ओके, देन आप इसकी लेंथ 5 6 कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सभी यानी फोर साइड इक्वल ही आपको रखना है। आपको यहाँ पे 6 लिया है तो यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर ही लेना है। ओके, यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है ना, वहां आपको डॉट पहले लगा के देन आपको लाइन ड्रॉ करना है 8 तक। ओके, यहाँ से स्टार्ट 0 से करके यहाँ 8 तक आपको लाइन बनानी है। ओके, इसको बोलते हैं स्क्वायर शेप, यानी फोर साइड इज इक्वल। ओके, देन आपको ड्रॉ करके उसमें कलर फिल करना है। मैं यहाँ पे पेरोट कलर फिल कर रही हूँ, आप दूसरा भी ले सकते हैं। ओके, आपको पूरा यहाँ तक सेम कलर फिल करना है। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप आपको रिमेम्बर रखना है। ओके, आपको होमवर्क में ड्रॉ द स्क्वायर शेप एंड फिल कलर इन योर रफ बुक, यानी आपको ड्रॉ करके देन कलर फिल करना है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय स्टूडेंट्स।